तो मेरी ट्रिप के इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद घर जा जाते मुझे एक इतना प्यारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा मुझे पता नहीं था। हाय एवरीवन, तो मैं आपकी वसु AKA प्रारिश्ते व्याल। तो जैसा कि आपको पता है मैं गई थी ट्रिप टू महाराष्ट्र फॉर अ नेशनल आर्ट कॉम्पिटिशन एंड ये मेरी लाइफ की पहली ट्रिप थी एंड इसमें आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ न्यू ट्रेवल्स बट एट लास्ट घर आते आते सरप्राइजिंगली आई एक्सपीरियंस द बेस्ट एंड द कम्फियस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ। गाइस, हम घुस चुके स्लीपर बस के अंदर और इसमें पहली बार आई हूं और ये पूरा हमारा घर बन गया। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली रात को हम ट्रेन में भूतों की कहानियां सुनते सुनते एक दूसरे से सो गए थे एंड सुबह उठ के सबसे पहले मैं फ्रेश हुई एंड देन आई हैड सम टी। गाइज, हम ट्रेन से उतर गए और ये है दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ पे गाइज कोहरा ही कोहरा। और हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है, जम्मू में शायद इससे भी ज्यादा हो। तो मैं तो पैक हो चुकी हूँ देख लो, और हाँ बस कुछ भी नहीं, क्या ही बोलूँ मैं इतनी ठंड में, है कि नहीं। और इनसे मैं मिली थी और ये जा रहे हैं अब तो। हाँ, जुदाइयाँ हो रही हैं हमारी आजकल बहुत। गाइज, मैं दिल्ली में हूँ पर कोई फील ही नहीं आ रही ऐसी कि दिल्ली में हूँ। ये देखो सब कितना बोरिंग है और शोर इतना ज्यादा। गाइज, हम बस में बैठ गए कहीं जाने के लिए, शायद खाना खाने जा रहे हैं, पर मेरे को भूख कंट्रोल नहीं हो रही इसलिए मैं टकाटक खा रही हूँ। गाइज, हम गाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह आए और यहाँ से अभी हमें जम्मू की गाड़ी में बैठना है और मेरे को बहुत नींद आ रही है पर ये गाड़ी शोर कर रही है। गाइज, अभी एक अंकल बोल रहे थे कि बैग अपना संभाल के रखो, कोई भी उठा के चला जाएगा, कुछ पता नहीं लगेगा। फिर मैंने बोला मैंने सोचा कि जब कोई किसी का ऐसे सूटकेस बैग चोरी करता होगा तो उसके लिए वो क्या होता होगा, मिस्ट्री बॉक्स। मतलब उसके लिए तो मिस्ट्री बॉक्स है, उसको नहीं पता अंदर क्या है, तो उसके लिए ऐसे एक गिफ्ट बॉक्स हो गया, मिस्ट्री बॉक्स, कि अंदर उसके क्या क्या लॉटरी निकले उसको भी नहीं पता। गाइज, ये देखो मेरे को क्या मिला, सर्टिफिकेट। मतलब जीती तो नहीं पर चलो यही मेरे लिए बहुत है, नेशनल लेवल, मजाक नहीं है। गाइज, मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ दिल्ली में पर मेरे को कुछ नहीं पता कि ये कौन सी जगह है एंड मैं दिल्ली पहली बार ही आई हूँ, मतलब कभी घूमी नहीं हूँ दिल्ली, तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या कहाँ पे है। और ये देखो ये यहाँ पे लगा हुआ है। गाइज, ये देखो ये अरमान दिख रही है, हम इस अरमान में बैठ के जाएंगे, हमारे इसमें अरमान पूरे होंगे जम्मू जाने के। इसका नंबर देख लो गाइज, अगर मैं किडनैप हो जाती हूँ तो मुझे बचा लेना। डोंट बी हैस्टी व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। हैस्टी क्या होता है? आलसी। मेरे जूनियर मेरे से ज्यादा समझदार हैं गाइस। गाइस, ये बंदर यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे केले मिल रहे हैं तो मैं इनको लेकर देती हूँ थोड़े से। गाइस, ये देखो ये मैंने इनको दिया और ये खा रहे हैं, एक दर्जन केले लेके दे दिए और इसने मेरी टांग पकड़ ली थी। गाइस, ये मैं भी खाने वाली हूँ यहाँ से। दिस इज चाट समोसा, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। अभी मुझे भूख लगी, अभी तो मुझे सभी अच्छा लगेगा ना। गाइस, हम घुस चुके स्लीपर बस के अंदर और इसमें पहली बार आई हूँ और ये पूरा हमारा घर बन गया। बचपन में जब हम छोटे होते थे हम घर घर खेलते थे ना, उसमें हम टेबल के नीचे या फिर ऐसे मम्मा की चुनिया लेके चादरें लेके ऐसे घर बनाते और ऐसे, मतलब वो पूरा ऐसे छोटे से हम ऐसे घर बनाते और हमको उसमें खेलने में बड़ा मजा आता था और ये हम तीनों का घर बन गया है ना। ये हमारा राशन पानी, ये घर, थोड़ा सा पानी, इस सब में हमको सर्वाइव करना है, कैसे करेंगे, कितना मजेदार है ये। अब से मैं हमेशा स्लीपर बस में करूंगी ट्रेवल। पर हाँ यार, ये बहुत सही लगा, मैं कसम से मजाक नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा सही है। ओ माय गॉड, यहाँ पे गाइस हमारा सामान रखने की जगह भी बनी, पूरा नीचे गद्दा भी छा हुआ है, इतनी बड़ी सी जगह है और मतलब बाहर से लग रहा था कितना छोटा सा होगा, अंदर कैसे बैठेंगे, एक बंदा भी कैसे फिट आएगा, पर ये तो बड़ा सा, लाइक आराम से हम तीन बंदे रह सकते हैं यहाँ पे। ये चीज गलत है कि यहाँ एक ही चार्जिंग पॉइंट है। चार्जिंग पॉइंट तो है ना, बस एडजस्ट कर लेंगे, इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गाइस, फाइनली हमारा घर चल पड़ा। यार कितना सही है ये, घर घर खेल रहे और हमारा घर चल भी रहा है, बाहर से व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं, घर घर भी खेल सकते हैं। गाइस ये देखो, ओह माय गॉड द व्यू, नाइस, पहली बार मैं देख रही हूँ लाल किला। गाइज ये देखो श्रद्धा कपूर भी हमारे साथ चल रही है जम्मू। गाइज अभी बड़ी देर बाद हम रुके, अभी 2:30 हो रहे, 2:40, 2:50 और अभी हम ब्रेकफास्ट करने लगे, बड़ी भूख लगी है तो चलो। गाइज ये देखो राजमा चावल सदियों बाद खाने लगी हूँ मैं।
वो जम्मू कश्मीर वाला टेस्ट तो नहीं है, पर चलो मतलब थोड़ी सी राजमा चावल वाली फीलिंग आ गई। गाइस मेरे चावल बच गए और मेरी राजमा भी खत्म हो गई और ये मेरे को और राजमा नहीं दे रहे। बोलते कि हाफ प्लेट चाहिए तो 100 की दे देंगे, हम वैसे भी नहीं देते होते, पर चलो आपको हम फिर भी ऑफर कर रहे हैं। मैंने बोला भैया थोड़ी सी डाल दो, थोड़ी सी चाहिए मेरे को, 40-50 रुपए दे दूंगी, एक्स्ट्रा नहीं मान रहे। हद हो गई है यार, सर इंसानियत तो बची ही नहीं ना इस दुनिया में। और ये लोग थाली खा रहे हैं जो कि मुंह में खा के अक चुकी हूं, अब मेरे को नहीं खानी है। गाइस इन लोगों ने मुझे एक्स्ट्रा राजमा नहीं दी, बॉयकॉट सागर ढाबा। देख लो गाइस पूरी जगह अच्छे से देख लो, यहाँ कभी खाना मत खाना प्लीज गाइस, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैं कभी किस जगह के बारे में ऐसे नहीं बोलती, पर ये जेन्युइनली मेरे को गुस्सा चढ़ाया इन्होंने। राजमा लाइक मतलब राजमा मतलब राजमा के साथ ऐसा मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। गाइस देखो मेरे को टॉय निकला कुछ, चलो लेट्स चेक क्या है। चलो देखते हैं गाइस ये क्या है। गाइस इसको पेपर पे रखते हैं और इसको भी रखते हैं बीच में और ऐसे पेंसिल मार मार के कुछ बनाते हैं इससे। गाइस ढंटड़ा, हमारे पास एक और किंडर जॉय है, मुझे पता नहीं था कि वो भी किंडर जॉय लाई हूँ और मैं भी किंडर जॉय, उसको नहीं पता था कि मैं लाई हूँ, मेरे को नहीं पता था कि वो लाई है, तो हमारे पास दो किंडर जॉय हो गए। चल इसको खोले, इसका टॉय देखते हैं। अरे वाह कुछ डिफरेंट निकला इस बार, सदियों बाद कुछ डिफरेंट निकला। गाइस ये कुछ देखो निकला है, गाइस देखो ये मैंने 50 रुपए का पैकेट लाया है और ये इससे भी ज्यादा बड़ा है, सामने रखना। गाइस देखो ये पैकेट इससे बड़ा लग रहा है। गाइस हमारे छोटे से घर में हमारी भयंकर पार्टी चल रही है गाइस, एकदम भयंकर पार्टी। गाइस गाइस मैं अकेली अपने घर में, छोटा सा घर मेरा, बाकी दोनों जो लड़कियां मेरे साथ थी वो भी बाहर हैं कहीं, एंड हमारी गाड़ी चल रही है मतलब हमारा घर चल रहा है और बहुत टाइम हो चुका है। मैं 3-4 बार सो चुकी हूँ सुबह से, अब हमें भूख लगी है, मेरे को अब खाना चाहिए, अब शायद हमें वापस से खाना खिलाने के लिए कहीं रुकेंगे और आज शायद मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगी, शायद से रात को मुझे हॉस्टल में स्टे करना पड़े और कल सुबह मैं अपने घर जाऊं। इतना अच्छा व्यू आता है ना यार। गाइस मेरे को लगा था कि अभी रुकेंगे खाना खाने के लिए क्योंकि डिनर ऑब्वियसली चाहिए, तो जो लंच किया था वो भी मैंने राजमा चावल पूरे नहीं खाए थे क्योंकि मेरे को राजमा नहीं मिली थी, पर हम कोई डिनर नहीं कर रहे हैं। बोलते कि अब कौन सा डिनर, जो खाया था दिन को वही लंच वही डिनर। मेरे को भूख लगी है और मेरे पास ये टकाटक है तो मैं ये खाने लगी। हाँ बस गाइस अभी मैं सोकर जागी और मेरे को बहुत ज्यादा डरावना सपना आया, लाइक बहुत ज्यादा डरावना, मतलब कुछ ज्यादा ही डरावना। और अभी गाड़ी रुकी थी तो मैं अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आई, एक ये सैंडविच एक चॉकलेट और एक, और हम बहुत लेट हो गए थे, सर ने बोला जल्दी जल्दी इसको दो, शॉपकीपर को और भी बंदे खड़े थे उसने मेरे को बोला ये 150 हो गए, मैंने जल्दी जल्दी 150 दे दी और हम बैठ गए, जबकि इसके 100 रुपए भी पूरे नहीं हुए हैं। बहुत भूख लगी अभी खाते हैं। एंड गाइज मैं अगेन सोई थी, जम्मू पहुंच गए, अभी निकल के किसी और गाड़ी में चढ़ के नगरोटा जाएंगे, हॉस्टल में स्टे करेंगे कुछ घंटे और फिर मैं जम्मू अपने घर पे जाऊंगी। नगरोटा 20-25 मिनट ही दूर है जम्मू से। हाँ बस बाय। झुमका गिरा रही करने वाली थी। गाइस मैंने अपना सामान कर लिया रेडी और मैं घर निकलने वाली हूँ। मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और मैंने मम्मा को बोला कि दिन तक आऊंगी, पर अभी सुबह है 9 बजे हैं तो मैं अभी ऐसे जाके उनको सरप्राइज कर दूंगी सोच रही हूँ। ऐसे यहाँ से मैं कभी अकेले अपने घर तक गई नहीं हूँ, पर अब सोच रही हूँ चली जाती हूँ, बड़ी हो गई हूँ मैं, इतनी महाराष्ट्र घूम के आई हूँ, यहाँ से घर जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। और मेरे को सबसे ज्यादा दुख लगेगा इस बच्चे को छोड़ने में। ओए उठ जा रही मैं, ओ मेरा बच्चा मैं जा रही हूँ। बारिश क्यों का है, राबिया बाहर गई होगी बाथरूम। हमारा छोटा सा बच्चा। गाइस हम इस जगह को छोड़ रहे हैं फॉरएवर के लिए, अब हम बार बार नहीं आएंगे क्योंकि हमारा नेशनल्स हो गया, सब खत्म है। अब मतलब मेरे को रोना नहीं आ रहा, पर ऐसे मतलब अलग सा फील हो रहा है, मतलब सब खत्म यार, ये ट्रिप पूरा खत्म, मतलब लिटरली ट्रिप पूरा खत्म। इतने 15 दिन से जो हम इधर उधर कर रहे हैं, उससे पहले भी जो हम नगरोटा है 2 बार, सब खत्म अब डन। और ये यहाँ पे सारा सामान लाकर हमने रख दिया, निकलने वाले हम। एंड यार
ये जगह जितनी मर्जी बुरी है ना, पर हाँ ठीक है, यादें भी जुड़ी है गाइज। ये दुकान आपको याद है यहाँ बाहर वाली जहाँ से मोली टॉफी खाती थी, तो मोली टॉफी वापस आ चुकी है। भैया 5 रुपए की दे दो गाइज, ये रही मेरी मोली टॉफी। चलो उस साइड चलते, मेटाडोर आई घर जल्द जल्दी बैठ सकते हैं हम, वरना निकल जाती है। में पहुंच गए और ये दोनों जो है इनको जाना है यहाँ पे अपनी नानी मासी के घर, तो इन दोनों को अपने घर वाले मिल जाए, तब तक मैं ऐसे ही इनका वेट करूंगी। ख्याल रख रही हूँ मेरे का, मैं बड़ी हुई दोनों से और फिर मैं अपने घर की मेटाडोर और पकड़ूंगी। हम दिल्ली वगैरह में अपने बैग से छोड़ ही नहीं पाते, पता है पूरा टाइम हाथ में पकड़ के रखने पड़ते हैं। जम्मू जम्मू है यार, यहाँ पे सब सेफ है एकदम, है ना गाइस। हम खा रहे कुलचा, जब तक आता है इसका भाई लेने, फिर बैठ के मैं चली जाऊंगी इसको छोड़ के। मैं बैठ गई हूँ बंतलाव वाली बस में, मेटाडोर में। पहली बार में लाइक इतना ज्यादा अकेले अकेले आ जा रही हो, तो हाँ बड़े बच्चों वाली फीलिंग आ रही है। गाइज मैं फाइनली पहुंच गई घर, और मुझे ज्यादा खुशी इस चीज की नहीं कि मैं घर पहुंच गई, मुझे ज्यादा खुशी इस चीज की कि मैं अकेले घर पहुंची। फाइनली आ गई। ये क्या? देखा सरप्राइज दिया मैंने, मैं झूठ बोल रही। अच्छा बाहर ऑटो वाला खड़ा है, उसके लिए पहले 50 रुपए दो। बंदा बाहर खड़ा है, 50 रुपए दो। चुबू मेरा बच्चा भी आ गई। देख राघव भैया मैं बोल रही हूँ, ऑटो वाला बाहर खड़ा है, पैसे का क्या खेल रहे हो आप? देख हाय रब्बा मैं क्या, हाँ हाँ मेरा बच्चा आ गई। मेरा बच्चा है ना। जाओ पैसे दे करो उसको, आ जा अंदर। ये तो मैं बाहर ही भूल गई, आ जा अंदर, आ जा तू भी। मम्मा देखा मैंने आपको सरप्राइज दिया, देखा मैंने आपको सरप्राइज दिया ना। हाँ पता है मैं पूरा नगरोटा से यहाँ तक आई हूँ खुद, पहले एक मेटाडोर की, फिर दूसरी मेटाडोर की, फिर ऑटो किया। देखा कितनी बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई हूँ ना। थक गई बहुत ज्यादा, मैं फाइनली अब अपने घर के बाथरूम में नहाने वाली हूँ बहुत देर बाद, इतना ज्यादा सुकून मिलने वाला है मेरे को, तो ठीक है बाय, मैं नहा के मिलती हूँ। तो गाइज मैं आगे नहा के इतनी ठंड में, और अब मैं खाऊंगी 15 दिन बाद घर का खाना। ये मम्मा दो थोड़ी खाऊंगी, एक खाऊंगी मैं, दो कुछ खा कर आई हूँ। यस थैंक यू। बताना क्या खाएंगी साथ में? साथ में कुछ नहीं, मेरे बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, थोड़ा सा दही दे दो। खाते हैं घर का खाना इतनी देर बाद। मजा आ गया, पता मजा आ गया, मतलब सच में मजा आ गया। गाइज मैं सो गई थी और अभी मैं जागी हूँ। मम्मा राजमा चावल, आपको उन्होंने रास्ते में राजमा चावल नहीं ना दिए, चावल राजमा नहीं दिए। राजमा के भूखे बच्चे, जम्मू के बच्चे, राजमा के भूखे। उसने सोचा कि मैं बड़ा इधर 200 रुपए की इतनी सी राजमा दी, हमारे घर में 200 का पतीला भर के राजमा बनाएंगे। हाँ इतनी सारी राजमा खाऊंगी ना आज, फिर उसको बेचूंगी। गाइस फाइनली घर के राजमा चावल और बटर, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। जम्मू कश्मीर के राजमा चावल का कोई लेवल है, अब बताओ मुझे। ओ माय गॉड राधा स्वामी, इससे टेस्टी कुछ हो सकता है इस दुनिया में? थैंक यू यार मम्मा, थैंक यू यार। ये देखना चली हो गई है जैसे कि बहुत बड़ा एहसान हो गया। मैं सच्ची में यार सच्ची मम्मा से में। लंबी हो गई तू? है मैं मम्मा से लंबी हो गई हूँ, पर गाइस इससे टेस्टी खाना कभी मैं जिंदगी में नहीं खाया, पता है।
खा के मिलती हूँ। गाइस तो मैं चोमू को ले जा रही हूँ वॉक पे और मेरे पीछे चोमू के लिए स्वेटर मंगवाई थी। चोमू कितना क्यूट लग रहा है। ओ माय गॉड चोमू इधर। अब लेके चलते चोमू को वॉक पे। चोमू और मैं बैठे हुए हैं पार्क में एंड बस बैठे हुए हैं बहुत दिनों बाद, कोई 15 दिनों बाद हम बैठे हैं ना चोमू। चोमू है ना, है ना। ओए इग्नोर कर रहा है गाइस मेरे को। चोमू को पार्क में इस जगह पे बैठना बहुत पसंद है, यहाँ घास घास के ऊपर, और मैं यहाँ पे ऐसे बैठ जाती हूँ और चोमू यहाँ से बैठ जाता है। चोमू देवयान, ओ चोमू देवयान, चोमू आप बहुत क्यूट लग रहे हो, सेक्सी लेडी लग रहे हो एकदम। हाँ बस अभी मैं यहाँ बैठ के ऐसे नेचर को फील करना चाहती हूँ और बस कुछ भी नहीं, बस नेचर को फील करना चाहती हूँ। अरे ये क्या है? कहाँ पे चोमू? वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ पे? वहाँ पे वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ पे? वहाँ पे। चुप एकदम। ओके ये देखो हम दिल्ली में अभी। गाइस मेरी जो ये ट्रिप थी ना ये अब जाके वर्थिट हुई, आपको पता है। गाइस देखो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ पे किसका बच्चा है गाइस? खाएंगे आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे। आना हो गया ना आगे तंग हुई है, सोच रही है ये वीडियो बनाने के लिए बोल रही है। ऐसे यहाँ से मैं कभी अकेले अपने घर तक गई नहीं हूँ, पर अब सोच रही हूँ चली जाती हूँ बड़ी होगी। पता है मैं पूरा नगरोटा से यहाँ तक आई हूँ खुद। सच्ची